आप सभी को स्नेह भरी हरे कृष्ण। देखो हमारे घर में भगवान कृष्ण का मंदिर अवश्य होना चाहिए, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी हो, राधा कृष्ण जी हो, गुरु जी, परम गुरु जी, प्रभुपाद गुरुवर्ग हो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने ग्रस्त भक्तों को आदेश दिया था क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें पहला था कि कृष्ण सेवा, घर में सुंदर कृष्ण मंदिर बनाएं और भगवान कृष्ण की सेवा करें। चलो ज्यादा नहीं कर सके तो उनके चरणों में थोड़ा पुष्प देकर दंडवत प्रणाम कर ले, माला तो करनी है, थोड़ा वहां पर बैठ के कर ले, बोल बोल के माला कर ले। परंतु मैं आज ये बताना चाहता हूं कि जब हम मंदिर में प्रणाम करें, चाहे मठ में आए या अपने घर में प्रणाम करें, तो सबसे पहले प्रणाम गुरु जी को होना चाहिए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरुदेव को प्रणाम, भगवान से पहले प्रणाम गुरु जी को होता है। ये बात भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी को बोल रहे हैं, प्रथमंत गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद। उसके बाद वहां पर देखना गुरु जी है, उनके गुरु जी है, उनके गुरु जी है, उनके गुरु जी, ऐसे गुरुवर्ग है, तो सभी का अलग अलग प्रणाम मंत्र है, लेकिन काफी टाइम लग जाए प्रणाम करने, इसलिए हमारे आचार्यों ने एक प्रणाम मंत्र दिया, वैष्णव प्रणाम मंत्र। वांछा कल्प दुर्भिष्य कृपा सिंधु भ्य पतिदान अंग पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमः। इस वैष्णव प्रणाम मंत्र से सभी गुरुजनों को प्रणाम करें। उसके बाद महाप्रभु जी को प्रणाम करें, नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशी नमः। जब पुरुष लोग ऐसे लंबा लेट के प्रणाम करते हैं, या हमारी माताएं बहने घुटना टेक कर जब पंचांग प्रणाम करती हैं, तो प्रणाम करते हुए ये प्रणाम मंत्र बोलने चाहिए, गुरु जी का, वैष्णव का, महाप्रभु जी का। उसके बाद राधा जी का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। उसके बाद सर्वेश्वर परमेश्वर तमाम कारणों के कारण जो भगवान कृष्ण हैं, उनका प्रणाम मंत्र बोले, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। और आप देखिए मंदिर के अंदर तुलसी जी होती, वृंदा देवी होती, वृंदा देवी ने तो भगवान की सेवा में हमको देना है, वहां पे नियोजित करना है। अभी भी हम जब भोग लगाते तो तुलसी का पत्ता देते ना, तो तुलसी को प्रणाम करना होता है, वृंदा ये तुलसी देवी प्रियाय केशवश विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्य भक्ति बोला। विष्णु भक्ति बोले या कृष्ण भक्ति बोले कोई बात नहीं, ये छह प्रणाम मंत्र अवश्य बोलने चाहिए जब हम मठ में आए हैं वहां पर मंदिर में प्रणाम करें, या अपने घर में जो हमने मंदिर बनाया है वहां पे प्रणाम करें। इच्छा मत गुरु जी का प्रणाम मंत्र, फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर महापुरुष प्रणाम मंत्र, फिर राधा जी का प्रणाम मंत्र, फिर भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र और वृंदा देवी, ये छह प्रणाम मंत्र बोलने चाहिए। ये छह प्रणाम मंत्र के साथ साष्टांग प्रणाम करें या पंचांग प्रणाम करें आप पर है, लेकिन छह प्रणाम मंत्र बोलने चाहिए। दोबारा आप सभी को स्नेहमयी हरे कृष्ण।